स्टूडेंट्स, प्रीवियस वीडियो में देखा था डेट ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी एंड फ्रांस कंपनी के बीच में क्या क्या कंपैरिजन थे, उनमें कौन कौन से स्ट्रॉन्ग पॉइंट्स ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को थे, फ्रांस की कंपनी की क्या कंडीशंस थी, दोनों के बारे में डिस्कस किया था और ये भी बताया था डेट दोनों कंपनी के बीच में इंडिया की कंट्रोल के लिए, इंडिया का एडमिनिस्ट्रेशन कंट्रोल एज वेल एज ट्रेड कंट्रोल के लिए एक दोनों के बीच में लड़ाई हुई थी जिसका नाम है कर्नाटक वॉर। ओके, तो अब यहाँ पे कर्नाटक वॉर को डिटेल में देखेंगे। यहाँ पे सबसे पहले ये बताया है डेट कर्नाटक जो है वो इंडिया का एक पार्ट है जो कि साउथ में लोकेट करता है। यहाँ पे देखिए, ओके, कर्नाटक जो रीजन था कर्नाटक, वो अभी प्रेजेंट का जो तमिलनाडु रीजन है, तमिलनाडु के अलावा कर्नाटक का जो सदर्न पार्ट है और साथ ही साथ आंध्र प्रदेश का जो सदर्न पार्ट है, इन तीनों के रीजन्स को मिलके बनता है कर्नाटक। ओके, एंड कर्नाटक अभी जो प्रेजेंटली जो मैंने कोरोमंडल कोस्ट बताया था पहले की वीडियोज में, कोरोमंडल कोस्ट एक बार और देख लेते हैं। ये जो इंडिया का साउथ पार्ट है, वी शेप फॉर्म होता है, यहाँ पे जो रीजन है ये रीजन, दिस इज कॉल्ड अ कोरोमंडल कोस्ट एंड 1700 की ड्यूरेशन में यही कर्नाटक रीजन कहलाता था। ओके, अब देखेंगे ये जो कर्नाटक वॉर है ये किन किन के बीच में हुई थी, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी एंड फ्रांस कंपनी, जिसमें तीन वॉर के बाद एट लास्ट ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी जीत गई थी। अब ये तीनों वॉर्स कब कब हुई थी ये है। ओके, फर्स्ट कर्नाटक वॉर 1746 से लेके 1748, सेकंड कर्नाटक वॉर 1748 से लेके 1754 एंड थर्ड 1756 से लेके 1763। ओके, अब इन तीनों वॉर्स के बारे में ब्रीफली डिटेल्स में देखेंगे। ओके, तो फर्स्ट जो कर्नाटक वॉर थे ये बेसिकली एक यूरोप की कंट्री है ऑस्ट्रिया। ओके, तो वर्ल्ड वॉर के ड्यूरेशन में ऑस्ट्रिया के कंट्रोलेंस के लिए या फिर ऑस्ट्रिया के सक्सेसर के लिए एक लड़ाई चल रही थी। ओके, और वहां पे और यूरोप में ब्रिटिश और फ्रांस एक दूसरे के अपोजिट में थे। ओके, और जिसका असर या अफेक्ट इंडिया पे भी पड़ रहा था। ओके, तो वहां पे लड़ाई होने के बढ़ने के कारण इंडिया में भी इस चीज का असर काफी ज्यादा देखा गया था। और उस टाइम फ्रांस के जो गवर्नर थे डुप्लेक्स, उन्होंने कर्नाटक के जो नवाब थे अनवरुद्दीन, आई एम रिपीटिंग अगेन, फ्रांस के गवर्नर डुप्लेक्स ने कर्नाटक के नवाब अनवरुद्दीन को अपने फेवर में करने की कोशिश की थी। ओके, ताकि वो ब्रिटिशर्स पे कंट्रोल कर सके और जो ब्रिटिशर्स का उस टाइम मद्रास के फोर्ट में कंट्रोल था उसको अपने हाथ में ले सके, जिसके लिए जब नवाब अनवरुद्दीन मान गए थे फ्रांस की हेल्प करने के लिए, लेकिन साथ ही साथ उनके सामने एक डिमांड भी रखी थी डेट अगर ये वॉर जीत गया फिर हम अनवरुद्दीन फ्रांस का सपोर्ट करेंगे, तो उसके लिए जो मद्रास का फोर्ट है जो ब्रिटिशर्स के हाथ में था पहले, वो उन्हें चाहिए, वो मतलब मद्रास अनवरुद्दीन को सौंप दिया जाए, जिसके लिए गवर्नर जनरल डुप्लेक्स ने रिफ्यूज कर दिया था जो फ्रांस के थे। ओके, तो जिस कारण से अनवरुद्दीन और फ्रांस के बीच में लड़ाई हुई थी, जिसमें अनवरुद्दीन हार गए थे। ओके, देन और इसी टाइम पे क्या हुआ था, जो यूरोप में जो लड़ाई चल रही थी ऑस्ट्रिया के सक्सेसर को लेके, वो भी लड़ाई वहां पे खत्म हो गई थी। ओके, तो जब वहां पे इन दोनों के बीच में कॉम्प्रोमाइज हो गया था, तो यहाँ पे भी उसी चीज का असर देखा गया, दोनों कंपनी के बीच में कॉम्प्रोमाइज होने लगा था, पीसफुलनेस एक रिसोल्यूशन रिसोल्व हो गया था। ओके, तो जिसमें मद्रास का जो फोर्ट था वो वापस ईस्ट इंडिया कंपनी के हैंड में उन्हीं के हैंड में रहा था, और इसके बाद इंडिया में यूरोप कंट्रीज का यूरोपियन ट्रेड या यूरोपियन कंपनीज का आना काफी ज्यादा बढ़ने लगा था, और ट्रेड के साथ साथ पॉलिटिकल इंटरफेरेंस भी ये मद्रास रीजन के आसपास करने लगी थी यूरोपियन कंपनीज। ओके, लेकिन जब एक बार देखो, वो तो था ऑस्ट्रिया को लेकर फर्स्ट वर्ल्ड वॉर, लेकिन यहाँ पे आगे जाके एक और लड़ाई हुई थी सेकेंड वर्ल्ड वॉर। इसमें क्या हुआ था डेट ये जो लड़ाई थी सेकेंड कर्नाटक वॉर, ओके, ये बेसिकली हुई थी हैदराबाद और कर्नाटक के नवाब को लेके, मतलब अब कौन नेक्स्ट उसका नवाब बनेगा, तो जिसके लिए दोनों कंपनी अलग अलग राजाओं को सपोर्ट कर रही थी। अब वो राजा ये कौन कौन से थे ये देखेंगे। ओके, हैदराबाद जो है वहां पे दो ब्रदर्स के बीच में लड़ाई थी, पहले थे मुजफ्फर जंग एंड सेकेंड इज मुजफ्फर जंग एंड नासे जंग। अब इन दोनों में क्या था, जो मुजफ्फर जंग थे इनको सपोर्ट मिल रहा था फ्रांस का एंड नासे जंग को सपोर्ट मिल रहा था ब्रिटिशर्स का। साथ ही साथ यहाँ पे
कर्नाटक के नवाब के लिए भी फाइट चल होना था, मतलब उसका कौन नेक्स्ट नवाब बनेगा, ओके, जिसके लिए चंद्रा साहिब को गेट सपोर्ट फ्रॉम फ्रांस एंड जो अनवरुद्दीन थे, जो मैंने बताया था कि पहली हार गए थे फर्स्ट कर्नाटिक वॉर पे, ठीक है, तो अनवरुद्दीन कर्नाटिक के नवाब बनने के लिए उनको सपोर्ट मिल रहा था ब्रिटिशर्स का, ओके। अब इस फाइट में क्या हुआ था, चंद्रा साहिब ने फ्रांस की हेल्प लेके अनवरुद्दीन को हरा दिया था, और हराने के और हराते साथ साथ उनकी डेथ भी हो चुकी थी, मतलब यहाँ पे बेसिकली जो ब्रिटिशर्स थे वो हार चुके थे, ओके। तो उन्होंने क्या किया था, एक उन्होंने कर्नाटिक को अपने अंडर में लेने के लिए जो हैदराबाद के जो नेक्स्ट नवाब ब्रिटिशर्स के ब्रिटिशर्स सपोर्ट कर रहे थे, जिसको नाज़ी जंग, उन्होंने उनको एग्री किया, उनको प्रूव किया डेट वो चंद्रा साहिब पे अटैक करें, ओके। लेकिन जो फ्रांस थे उन्होंने एक स्ट्रेटजी बनाई थी, एक उन्होंने ऐसे स्टेप उठाया था कि उन्होंने क्या किया था, नाज़ी जंग के जो भी ऑफिसर्स थे, मेन ऑफिसर्स, उनको लालच या प्राइड देके अपने साइड कर लिया था, ओके। तो जिसके कारण जो नाज़ी जंग थे वो वीक हो चुके थे, क्योंकि उनके बड़े बड़े मेन ऑफिसर्स उनकी साइड इतने ज्यादा हेल्पफुल नहीं थे, क्योंकि वो फ्रांस के साइड हो गए थे, ओके। तो जिस कारण से ब्रिटिशर्स यहाँ पे भी हार गए थे और नाज़ी जंग की डेथ हो गई थी, मतलब ब्रिटिशर्स यहाँ से भी हार चुके थे और यहाँ से भी हार चुके थे, लेकिन ब्रिटिशर्स शांत बैठने वाले नहीं थे, उन्हें इंडिया के कंट्रोल चाहिए था और फ्रांस को इंडिया से बाहर करना ही था, ओके। तो जिसके लिए उन्होंने एक नेक्स्ट पर्सन को सामने ले किया, जिनका नेम था मोहम्मद अली, ओके। मोहम्मद अली को सपोर्ट मिल रहा था ब्रिटिशर्स का, ओके। तो यहाँ पे क्या हुआ था, मोहम्मद अली को और उस टाइम जो ब्रिटिशर्स के एक एडमिनिस्ट्रेटर थे, एडमिनिस्ट्रेटर जिनका नाम था रॉबर्ट क्लिव, ओके, रॉबर्ट क्लिव को क्या हुआ था, पहले वो कुछ लड़ाइयों में हार चुके थे और बाद में उनको ना मद्रास का एडमिनिस्ट्रेशन करने के लिए मद्रास के एडमिनिस्ट्रेशन के लिए उनको सौंप दिया गया था। तो यहाँ पे रॉबर्ट क्लिव ने और मोहम्मद अली ने साथ में मिलके, मोहम्मद अली को ब्रिटिशर्स का कंट्रोल मिला था, रॉबर्ट क्लिव भी ब्रिटिशर्स के एडमिनिस्ट्रेटर थे, ओके। तो इन दोनों ने साथ में मिलके एक एरिया है यहाँ पे, सॉरी कर्नाटक में ही एक एरिया था जिसका नाम था कर्नाटक में एक एरिया जिसका नाम था त्रिचनापल्ली, ओके। तो त्रिचनापल्ली में उन्होंने अटैक कर दिया था दोनों ने मिलकर, ठीक है, मतलब एक घेराबंदी या अटैक करने की सिचुएशन क्रिएट कर दी थी, जिसके कारण जो चंद्र साहिब जो कि नवाब बन चुके थे कहाँ के, कर्नाटक के, ओके। तो उनका पूरा कंसंट्रेशन शिफ्ट हो गया था त्रिचनापल्ली पे, ओके। अगेन चंद्रा साहिब का पूरा कंसंट्रेशन कहाँ आ गया, त्रिचनापल्ली पे, ओके। और जब चंद्रा साहिब का कंसंट्रेशन त्रिचनापल्ली पे आएगा, तो जो फ्रांस है वो भी इन्हीं के सपोर्ट में थे, तो उनका भी, तो फ्रांस एज वेल एज द चंद्रा साहिब दोनों का कंसर्न, दोनों कहाँ पे पूरे बिजी हो गए, त्रिचनापल्ली को प्रोटेक्ट या उसको सेफ करने में, ओके। तो उस टाइम जब ये दोनों बिजी हो गए थे, तो ब्रिटिशर्स ने एक और नया स्टेप लिया। अब वो स्टेप क्या था, देखो कर्नाटक की जो कैपिटल थी अरकोट, ओके, अरकोट को ब्रिटिशर्स ने एनेक्स कर लिया, ओके। अब ब्रिटिशर्स ने जब अरकोट को एनेक्स किया था, तो उसका एक काफी इजीली, क्योंकि वहां पे अरकोट को कोई प्रोटेक्ट करने के लिए था नहीं, लगभग 1751 के आसपास था, क्योंकि वहां उनका जो ओनर वो थे नवाब, वो पूरे तो त्रिचनापल्ली पे बिजी हो गए, ओके। तो जिसके कारण इजीली जब उन्होंने कैपिटल को कंट्रोल कर लिया, तो स्टेट को कंट्रोल करना भी इजी था काफी ज्यादा, ओके। तो जिससे मोहम्मद अली बन गए कर्नाटक के नवाब, लेकिन अब यहाँ पे हैदराबाद रह जाता है, कि मतलब यहाँ पे कर्नाटक रीजन तो ब्रिटिशर्स ने ले लिया, ओके, यहाँ से तो वो जीत गए, लेकिन जो यहाँ पे फ्रांस के सपोर्टर थे मुजफ्फर जंग, जो कि कर्नाटक के नवाब बन गए थे नाज़ी जंग के डेथ के बाद, अब उन्हें हैदराबाद भी अपने कंट्रोल में लेना था, ओके। तो इसी हैदराबाद की कंट्रोलेंस के लिए ये हुई थी थर्ड बैटल, ओके, थर्ड वॉर हुई थी कर्नाटक की। अब लेकिन यहाँ पे क्या हुआ था, जो चंद्रा साहिब थे उनकी डेथ भी हो चुकी थी जब उन्होंने अरकोट को अपने अंडर में लिया था, और इसके बाद वो जो मोहम्मद अली थे उनको वो काफी ज्यादा हेल्प कर रहे थे, और हेल्प करने के लिए उन्होंने उसको मेंटेनेंस के लिए भी, क्योंकि देखो ब्रिटिशर्स उनको प्रोटेक्ट कर रहे थे, तो कहीं जैसे अपन अभी प्रेजेंट में अगर कोई सिक्योरिटी
को हायर करते हैं, तो सिक्योरिटी अपने घर की सिक्योरिटी के लिए या फिर किसी ऑफिस या बैंक वगैरह के, तो उस एजेंसी को पे भी करना पड़ता। ऐसे ही सेम ये जो चीज है ये यहां से आई थी। ओके, तो जो उनको जो सपोर्ट करते थे इसके लिए इंडियन जो राजा महाराजा थे उनको फॉरेन आर्मीज को पे करना पड़ता था कुछ मेंटेनेंस चार्जेस। ओके, तो उल्टा ब्रिटिशर्स इंडियन से ही चार्ज मंगाने लगे थे। ओके, उनको प्रोटेक्ट देने के लिए, तो ये चीज यहां से स्टार्ट हो गई थी। ओके, अब जो थर्ड और फाइनल फेज था फ्रांस एंड ब्रिटिशर्स के बीच का, उसमें क्या हुआ था, देखो यहाँ पे फर्स्ट वॉर तो ब्रिटिशर्स हार गए थे, सेकेंड हारते हारते फिर लास्ट में वो जीत गए थे। ऐसे जब ये इतने सारे वॉर है, पूरा कर्नाटक रीजन उनके अंडर में आ गया, मद्रास ऑलरेडी था ही उनके अंडर में। ओके, तो अब यहाँ पे फ्रांस काफी ज्यादा स्ट्रांग आर्मी बनने लगी थी। ओके, तो यहाँ पे बाद में फ्रांस के हाथ से हैदराबाद भी उन्होंने ले लिया था, और हैदराबाद लेने के बाद फिर फ्रांस अपना पूरा सामान वगैरह लेके वापस यूरोप चलेगा, और उनका जो सपना था इंडिया में राज करने का और पॉलिटिकल सुप्रीमेसी गेन करने का, ओके, तो वो भी फ्रांस का खत्म हो गया था, मतलब उनका ड्रीम पूरा नहीं हो पाया था। और उसके बाद ब्रिटिशर्स को, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को एक उनके लिए बहुत बड़ा गेट या अपॉर्चुनिटी मिल गई थी कि वो इंडिया में ट्रेड के साथ साथ पॉलिटिकल भी अब वो बहुत अच्छे से जम चुके थे। ओके, तो अब उन्होंने काफी ज्यादा एरिया तो अपने अंदर में कंट्रोल कर लिया। अब नाउ ब्रिटिशर्स का जो नेक्स्ट स्टेप था, ओके, और उनका जो नेक्स्ट स्टेप था वो था बंगाल को अपने अंडर में लेने का। ओके, तो बंगाल को अपने अंडर में लेने के लिए भी ब्रिटिशर्स ने काफी ज्यादा वॉर, मतलब दो तीन वॉर्स लड़ी थी। अब यहाँ पे देखेंगे, यहाँ पे जो नेम दिया है अलीवर्दी खान, अलीवर्दी खान 1740 के टाइम पे नवाब, कहाँ के नवाब थे, बंगाल के। ओके, तो वो काफी ज्यादा अच्छे एंड डिप्लोमेटिक रूलर थे, और जो इंग्लिश पीपल्स की, इंग्लिश पीपल्स मीन्स ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी, इनकी जो एक्टिविटीज थी उन्हें पसंद नहीं आती थी, उनके जो वर्किंग करने के तरीका या फिर जो धीरे धीरे उसको लूटना शुरू कर रहे थे इंडिया को, ओके, कलकत्ता रीजन से, तो उन्हें वो चीज पसंद नहीं आ रही थी, वो उसके अगेंस्ट थी, क्योंकि कलकत्ता जो रीजन था वो तो बंगाल के अंडर में आता है। ओके, तो क्या हुआ था, 1754 में उनकी डेथ हो चुकी थी। उसके बाद उनके जो नेक्स्ट नवाब बने थे सिराजुद्दौला, ओके, तो सिराजुद्दौला नवाब बन चुकी थी, लेकिन सिराजुद्दौला के अलावा दो और ऐसे लोग थे जिसकी नवाब की गद्दी पे या फिर जो पोस्ट थी बंगाल के नवाब की उसके ऊपर उनकी नजरें थी, जो कि थे शौकत जंग के अलावा एक और नाम था जिसका जो था मीजाफर। ओके, अब मैं देखें जो शौकत जंग था बेसिकली वो थे कौन, ये अलीवर्दी खान के ग्रैंड सन थे, मतलब अलीवर्दी खान की जो सबसे बड़ी डॉटर थी, ओके, सबसे बड़ी डॉटर का नेम था गजीती बेगम के जो बेटे थे शौकत जंग, उनकी भी इच्छा थी कि वो भी नवाब बन जाए। इसके अलावा अलीवर्दी खान के ब्रदर इन लॉ, ओके, तो ब्रदर इन लॉ मीजाफर जो कि अलीवर्दी खान के आर्मी चीफ ऑफिसर थे। ओके, तो दो पर्सन, देखो एक बार और देखिए ध्यान से, अलीवर्दी खान के डेथ के बाद सिराजुद्दौला नवाब बन चुके थे, लेकिन इनके अलावा दो और पर्सन की नवाब बनने की इच्छा थी या फिर वो नवाब बनना चाहते थे, जो कि थे अलीवर्दी खान के सन, ग्रैंड सन शौकत जंग, और सेकेंड वन इज उनके ब्रदर इन लॉ, और ब्रदर इन लॉ के साथ साथ चीफ, आर्मी चीफ भी वही थे। ओके, कौन थे वो, मीजाफर। ओके, तो ये दोनों भी क्या बनना चाह रहे थे, नवाब बनना चाहते थे। ओके, तो जिसके लिए सॉरी जिसके लिए आगे चल के बैटल, एक और बैटल हुई थी, और उस बैटल में इन दोनों का रोल क्या था ये देखेंगे। ओके, देखो ये दोनों तो अपना नवाब बनना चाह रहे थे, साथ ही साथ ब्रिटिशर्स पूरे बंगाल को अपने रीजन में चाह रहे थे करना। ओके, तो जिसके लिए सिराजुद्दौला को उन्होंने कन्विंस कर लिया था अपने कर्नाटक रीजन में, और साथ ही उसके अफेक्ट के कारण क्या हुआ था, जो ब्रिटिशर्स बंगाल में ट्रेड करने के लिए विदाउट पेइंग एनी टैक्स, मतलब बिना किसी टैक्स के वो फ्रीली ब्रिटिशर्स बंगाल में ट्रेड करते थे, जिसका काफी ज्यादा रॉयल जो खजाना था, राज खजाना, उस पर काफी ज्यादा इम्पैक्ट पड़ रहा था, क्योंकि उनको टैक्सेस आना कम होगा, तो साथ ही साथ ब्रिटिशर्स ना उनको कोई जो रिस्पेक्ट एज अ राजा को मिलनी चाहिए ट्रेडर्स के थ्रू, मर्चेंट्स के थ्रू, ना वो उन्हें मिल रही थी, और ना ही वो कुछ ऐसा ऑनर या गिफ्ट वगैरह उनको देते थे। ओके, तो जिस कारण से नवाब काफी ज्यादा नाराज थे सिराजुद्दौला, तो जिसके लिए उन्होंने जो एक
कासिम बाजार था, एक एरिया था बंगाल में, उसको अपने अंडर में लेके वहां से कंपनी की ओनरशिप को बाहर कर दिया था। तब आपको परमिशन नहीं दी थी क्योंकि आप लोगों ने कुछ बेनिफिट नहीं दे रहा है, ओके। तो जिस कारण से एक फैक्ट्री को बंद करवा दिया था या उस पर अपना कंट्रोल कर लिया था नवाब ने इन 1756 4 जून को, ओके। जिसके कारण जब गवर्नर को, ब्रिटिशर्स के गवर्नर को जब पता चला था तो उन्होंने उनके अगेंस्ट स्टेप लेना सोचा, ओके। तो अब ये जो गवर्नर, उस टाइम जो गवर्नर थे उनका इतना ज्यादा अफेक्टिव नहीं रहा था वर्क, और वहां से उन्हें जाना पड़ा था अपने ट्रेडर्स वाइफ्स एंड चिल्ड्रंस वुमेन्स वगैरह सबको लेके, ओके। तो यहां से उनका कंट्रोल कम होने के बाद ब्रिटिशर्स ने चेंज कर दिया था, रॉयट क्लिप को अपना नया एक गवर्नर बना लिया था ब्रिटिशर्स ने, ओके। तो और वहां की आर्मी पूरी उनको दे दी थी, और जब रॉयट क्लिप ने वापस, जब उनके हैंड में आई रॉयट क्लिप के हैंड में, तो उन्होंने कलकत्ता को वापस अपने हाथ में लेने की कोशिश की, और साथ ही साथ उन्होंने वहां के नवाब के साथ मीन्स सिराजुद्दौला के सामने कुछ कंडीशंस रखी थी, ओके। अब उस कंडीशंस में उन्होंने कहा था डेट जो बंगाल का कंट्रोल उन्हें दे दिया जाए फुल, ओके। इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने डिमांड किया था डेट बंगाल रीजन शुड बी कंट्रोल इन द हैंड ऑफ अ ब्रिटिश ऑफिसर, ओके। जिसके लिए नवाब ने मना कर दिया था, ऑब्वियसली जब नवाब, हाउ द नवाब विल रेडी टू गिव होल द ओनरशिप, ओके। तो उन्होंने मना कर दिया था, तो उसके बाद ब्रिटिशर्स जो रॉबर्ट क्लिव थे उन्होंने फ्रांस का कॉलोनी को भी अपने अंडर में ले लिया था, कहा कि चंद्रनगर की, ओके। तो नवाब ने उनको स्टॉप करने की कोशिश की थी, लेकिन जिसके लिए मीज आफा, फिर बाद में फ्रांस, जैसे कि पहले किया था कि फ्रांस के ऑफिसर्स को खरीद लिया गया था, ऐसे यहाँ पे किया था, ओके। तो जो रॉबर्ट क्लिव है, रॉबर्ट क्लिव ने क्या किया था, जो मीर जाफर थे उनको खरीद लिया था लालच देके कि अगर तुम हमारी मतलब अपने नवाब की हेल्प नहीं करोगे सिराजुद्दौला की, या फिर उनको पोस्ट में हटा दो, हम तुम्हें नवाब बना देंगे, ठीक है। तो उन्होंने यही किया था, मीर जाफर ने फुली सपोर्ट करने से मना कर दिया, मतलब वो ओपनली तो नहीं, लेकिन उनको लड़ाई वगैरह में इतना अफेक्टिव रोल नहीं करते थे प्ले जैसे कि पहले किया करते थे, ओके। तो जिस, और साथ ही साथ जो अलीनगर में ट्रीटी बनी थी एक, ओके, जिसके कारण से जो लड़ाई हो रही थी कलकत्ता को लेकर वो थोड़ी सी कम हो जाए या फिर इससे दोनों को नुकसान ना हो, तो उस ट्रीटी को भी रॉबर्ट क्लिव ने तोड़ दिया था, डिसऑनर मानने से मना कर दिया था, ओके, कि अब हम ऐसी कोई ट्रीटी को नहीं फॉलो करेंगे, ओके। जिस कारण से बैटल में, एक बैटल हुई थी, एक लड़ाई हुई थी, युद्ध हुआ था प्लासी में, ओके। कब हुआ था ये? 23 जून 1757 को, ओके, 23 जून 1757 को ये युद्ध हुआ था। अब इसमें क्या था, जो नवाब सिराजुद्दौला के सबसे मेन जो पर्सन हुआ करते थे, ओके, मीजाफर, रानी दुर्लभ, सॉरी राय दुर्लभ एंड लातिफ, ओके, वार लातिफ, इन लोगों ने पार्टिसिपेट करने, मतलब इतना एक्टिवली पार्टिसिपेट नहीं कर रहे थे। क्यों नहीं कर रहे थे? क्योंकि फ्रांस, सॉरी ब्रिटिशर्स ने इनको खरीद लिया था, ओके, लालच देखिए कि आप हमारी हेल्प करोगे तो हम आपको नवाब बना देंगे, ठीक है। तो जिस कारण से जो सिराजुद्दौला थे वो हारने लगे थे धीरे धीरे, और जैसे जैसे वो हारते जा रहे थे तो जहां वो वीक हुए सबसे ज्यादा, ओके, तो मीर जाफर के जो बेटे थे मीरन, उन्होंने राजा को मार दिया था, उनकी हत्या कर दी थी, ओके, उनको किल कर दिया था, जिसके कारण बैटल जो था प्लासी का वो टोटली हार चुके थे नवाब, ओके। और वहां के नए नवाब कौन बन गए थे? मीर जाफर। लेकिन ये जो मीर जाफर नए नवाब बने थे वो एक टाइप से ब्रिटिशर्स के पपीड़ बन चुके थे। पपीड़ मतलब जो ब्रिटिशर्स कहते थे वो उन्हें वो करते थे, क्यों? क्योंकि उन्हीं ने बनाया है। और इसके साथ साथ एक और इम्पैक्ट पड़ा था, वो अफेक्ट ये था डेट जो बंगाल का पूरा जो कंट्रोल है वो तो एक ब्रिटिशर्स के हाथ में आ गया था, और यहाँ का पॉलिटी ट्रेड कंट्रोल के साथ साथ यहाँ का इकोनॉमिक मतलब जो भी मनी के सोर्सेस थे वो पूरे, जो भी राज्य के डिसीजंस लिए जाते थे वो पूरे ब्रिटिशर्स के अंडर में आ गए थे, ओके। पपीड मीस तो जानते हैं, है ना, कठपुतली टाइप, कि जो भी ब्रिटिशर्स कहेंगे वही मीर जाफर नवाब को मानना पड़ेगा, ओके। क्योंकि देन इसके बाद कुछ नए सिस्टम्स उन्होंने स्टार्ट किए थे। अब वो सिस्टम क्या थे? डेट उन्होंने फ्री ट्रेड स्टार्ट कर दिया था ब्रिटिशर्स के थ्रू, डेट बंगाल में कभी भी कुछ भी ट्रेड कर, बंगाल के साथ साथ बिहार और उड़ीसा में भी फ्रीली वो ट्रेड करेंगे। और बंगाल में एक रीजन है 24 परगांस करके वहां के जमींदार भी ब्रिटिशर्स बन गए थे, और जमींदार बनने के कारण वहां का जितना भी कलेक्शन होता था,
चाहे वो फार्मर्स के थ्रू हो, चाहे वो ट्रेडर्स के थ्रू हो, चाहे वहां के वो बड़े बड़े फैमिलीज के रॉयल बड़ी बड़ी फैमिलीज के थ्रू, उन सबका पूरा फाइनेंस ब्रिटिशर्स के खाते में ही जाएगा। ओके, ये हो गया था, मतलब बंगाल पूरा ब्रिटिशर्स का बन चुका था। क्लियर। अब आगे देखेंगे, मतलब वो इंडिया के हर एक टेरिटरी में जाके अपना कंट्रोल कर रहे थे। अब यहाँ पे ये बताया है डेट जब मीर जाफर को नवाब बनाया गया तो उन्होंने कई कुछ टाइम बाद रहला धीरे धीरे उनके पूरे खजाने खाली होने लगे थे। ओके, और नवाब जो मीर जाफर थे, ओके, इनको एक बहुत अच्छा मनी का सोर्स बन चुके थे ब्रिटिशर्स के। ओके, तो कुछ टाइम बाद जब उन्होंने देखा कि हमारे पूरे खजाने तो खाली होते जा रहे मीर जाफर ने, और साथ ही साथ जो ऑफिसर्स थे ब्रिटिश के वो उन्हें टोटली एक्सप्लॉइट कर रहे थे। एक्सप्लॉइट मतलब उनसे, और वो एक्सप्लॉइट करना मतलब होता है कैपेसिटी से ज्यादा उनसे लेना। ओके, तो उस राजा को ही नहीं बल्कि वहां के जो पेशेंट्स हुआ करते थे, पेशेंट मीन्स होता है ऐसे पर्सन जो कल्टीवेशन या फिर क्रॉप्स के वर्क में जो बिजी रहते हैं, ठीक है, मतलब इन शॉर्ट वी कैन ऑल्सो कॉल एज अ फार्मर्स। तो फार्मर्स पे भी काफी ज्यादा उनसे टैक्सेस वगैरह ले रहे थे, और इसके अलावा क्राफ्टमैन से और किसी भी टाइप की एक्टिविटीज होती थी सबसे फोर्सफुली वो सामान ले रहे थे। अमाउंट के अलावा सामान भी काफी ज्यादा चीप सस्ती क्वांटिटी रेट में लेके अपने प्रॉफिट को ज्यादा से ज्यादा बड़ा प्रॉफिट अर्न करने के लिए वो अपने मन मुताबिक प्राइस में बेच रहे थे इंटरनेशनल मार्केट में। मतलब इंडिया से तो वो काफी ज्यादा सस्ते में लेंगे ताकि इंडिया को प्रॉफिट ना हो पाए। ओके, और वो अपने देशों में या फिर अपने कंट्री वो उनको क्लाइंट्स को काफी हाई अमाउंट में बेचते थे। अब फॉरन जो क्लाइंट्स होते थे, ओके, उनके इंटरनेशनल जो क्लाइंट्स थे वो इन सामान को हाई क्वांटिटी हाई प्राइस में भी परचेज करने के लिए रेडी रहते थे। क्यों? क्योंकि यहाँ के रिसोर्सेस काफी ज्यादा अच्छे थे, उन सामान की जो क्वालिटी होती थी वो बहुत ज्यादा अच्छी होती थी वर्ल्ड में अदर कंट्रीज के कंपैरिजन में। ओके, तो इसके बाद क्या हुआ था डेट ब्रिटिशर्स अपने अपॉर्चुनिटी उनको कुछ मिल नहीं रही थी डिसीजंस लेने की, ना किसी कोई भी टाइप के सजेशंस के लिए। ओके, तो जिसके कारण बाद में जो नेक्स्ट जो नवाब बने थे मीर कासिम, अब ये मीर कासिम कौन थे, मीर जाफर के सन इन लॉ। ओके, तो सन इन लॉ जो थे मीर जाफर के वो नेक्स्ट नवाब बन चुके थे, मतलब उनके डॉटर के हस्बैंड। ओके, तो मीर कासिम ने क्या किया था, एक अपने आप को इंडिपेंडेंट डेवलप करने के लिए ईस्ट इंडिया कंपनी के अगेंस्ट आवाज उठाना शुरू कर दिया, मतलब उन्हें कुछ पावर्स चाहिए। ओके, तो जब ब्रिटिशर्स ने देखा कि अब उन्हीं की दी गई पावर वो वापस मंगाने लगे, ओके, तो उन्होंने क्या किया, ब्रिटिशर्स के जो रॉयल ऑफिसर्स थे उनको डिसमिस कर दिया, उनको वहां से बाहर करने के लिए बोल दिया, और अपनी खुद की एक आर्मी बनाना शुरू कर दिया। ओके, और साथ ही साथ जो कस्टम टैक्स ड्यूटीज थी, कस्टम ड्यूटीज मतलब कुछ भी एक्टिविटीज अगर उन्हें करना है तो उसके लिए भी चार्जेस देना पड़ता था, उस ड्यूटी को भी उन्होंने तोड़ दिया कि अब ऐसी कोई ड्यूटी नहीं दी जाएगी। ओके, उसको भी अबॉलिश कर दिया। ये स्टेप कंपनी के लिए बहुत ही ज्यादा एक हिलाने वाला था क्योंकि इससे उनका कंट्रोल ढीला होने लगा था। ओके, तो इस चीज को रोकने के लिए पहले तो उन्होंने उनसे वर्बल टॉक्स की कि आप मतलब ये चीज नहीं करो नहीं तो आपको नुकसान हो जाएगा, लेकिन वो नहीं माने क्योंकि मीर कासिम को अपने अधिकार वापस चाहिए थे। ओके, तो उन्होंने एक ब्रिटिशर्स ने और मीर कासिम ने दोनों ने एक लड़ाई की। ओके, और जो लड़ाई हुई थी 1763 में। ओके, जिस ड्यूरेशन में ये कर्नाटिक वॉर भी चल रहा था, कर्नाटिक वॉर का एंड था। ओके, तो उसी ड्यूरेशन में यहाँ पे भी एक अलग फाइट चल रही थी उसी टाइम पे। तो क्या हुआ था, तो जब ये इसमें हार गए थे तो वो अवध चले गए थे। ओके, मीर कासिम हारने के बाद अवध चले गए थे। अब जो अवध के नवाब थे सुजाजुद्दौला, सिराजुद्दौला नहीं सुजाजुद्दौला, उन्होंने और एक और पर्सन थे शाह आलम। ओके, तो अब कौन तीन कौन कौन मिल गए, तीन पीपल्स, मीर कासिम, सुजाजुद्दौला और आलम शाह, ये तीनों भी बाकी के जो दो थे वो भी ब्रिटिशर्स से नाराज थे काफी ज्यादा, क्योंकि उनके रीजंस को भी अवध रीजंस और बाकी रीजंस को ब्रिटिशर्स ने छीन लिया था। ओके, तो इन सब से नाराज होने के कारण ये लोग भी वेट कर रहे थे ब्रिटिशर्स से अपना बदला लेने के लिए या फिर अपने पूरे राज्य वापस हासिल करने के लिए। तो जो तीनों अलायंस थी, मतलब तीनों ये जो पीपल थे मीर कासिम, सुजाजुद्दौला और शाह आलम, इन तीनों ने मिलके कंपनी आर्मी के अगेंस्ट अटैक करना, मतलब उनपे अटैक करना शुरू कर दिया। और ये बक्सर में कब हुआ था, 23 अक्टूबर 1764 को। ओके, तो ये जो बक्सर में होता है डेट इज वाई इट्स कॉल्ड द बैटल ऑफ प्लासी, प्लासी में, सॉरी बक्सर,
बैटल ऑफ बक्सर में। लेकिन इसमें क्या हुआ था, ये तीनों वो हार गए थे मीर कासिम। ओके, तो जो सजादुद्दौला और आलम शाह थे इनके बीच में, और उस टाइम के ब्रिटिशर्स के गवर्नर कौन थे या एडमिनिस्ट्रेटिव कौन थे, रॉबर्ट क्लाइव। ओके, इन्होंने इन दोनों के साथ एक ट्रीटी समझौता बनाया था। ओके, अब इस समझौता के अंदर उन्होंने कुछ कंडीशंस रखी थी। अब वो कंडीशंस ये थी दैट सबसे पहले अपन देखेंगे अवध के नवाब के साथ देखेंगे, और फिर अपन देखेंगे शाह आलम, ओके, इलाहाबाद के नवाब के साथ। तो यहाँ पे उन्होंने क्या किया था, जब वो हार गए थे तो ईस्ट इंडिया कंपनी ने ना उनसे 15 लाख रुपीज डिमांड की थी कंपनसेशन के तौर पे। ओके, अब ये क्यों उन्होंने इसके लिए कहा था, देखो आपने हम पे अटैक किया, मतलब ये इन्होंने सिराजुद्दौला ने, तो अटैक करने के कारण कई चीजें तो ब्रिटिशर्स की भी नुकसान हुआ होगा, जैसे कई लोग मारे गए होंगे, उनके वेपन्स लगे, उनके पैसे लगे। तो मतलब जो आपने हम पे अटैक किया है आप उसका भुगतान कीजिए, मतलब हमारा जो लॉस हुआ उस लॉस को 50 लाख रुपीज देके पे ऑफ करने की कोशिश करो। ठीक है, तो एक तो ये ट्रीटी के अंदर में एक फर्स्ट पॉइंट ये था। सेकेंड था डेट जो नवाब ऑफ अवध थे उन्होंने इलाहाबाद रीजन्स कारा और उसके आसपास के जो बंगाल्स के जो रीजन्स थे उस पे आपकी ओनरशिप अब नहीं रहेगी, मतलब फ्रीली कंट्रोल नहीं रहेगा जैसे आप पहले करते रहे। ओके, इन तीनों से आपका कंट्रोल भी कम हो जाएगा। ओके, और नेक्स्ट इसमें था डेट एक फोर्ट था चुरना का, ओके, वो भी कम्प्लीटली ब्रिटिशर्स के अंदर में आ जाएगा। और नेक्स्ट जो अवध रीजन था, अवध रीजन या उसके आसपास के जो टेरिटरीज है उस पे ब्रिटिशर्स फ्रीली टैक्स करेंगे, मतलब अभी तक जो टैक्स देते आए हैं अब वो ये टैक्स नहीं देंगे। ओके, अगर आपको ये मंजूर है तो हम आपको छोड़ देते हैं, अदरवाइज जैसे कि इनको नहीं, मीर कासिम को नहीं छोड़ा, ऐसे ही आपको भी मार दिया जाएगा। ठीक है, ये इसमें बोला गया था, तो जिसके लिए वो मान गए थे, उन्होंने एग्री कर लिया था कि ठीक है अच्छा। ओके, आप आगे देखिए, यहाँ पे देखिए अपन जो शाह आलम के साथ ट्रीटी साइन हुई थी उसमें भी उन्होंने ब्रिटिशर्स ने कुछ पॉइंट्स रखे थे, जैसे कि फर्स्ट जो था जो अलाहाबाद ट्रीटी के अंडर में जो रीजन्स नवाब से लिए गए थे, सर नवाब से जो वापस लिए गए थे सिराजुद्दौला से, तो वो एरिया जैसे कारा, इलाहाबाद और उसके अवध के आसपास के जो रीजन्स थे, ओके, तो उसको मुगल एम्पायर शाह आलम के को हैंडओवर कर दिया था। ओके, और इसके अलावा ब्रिटिश कंपनी एग्री हो गई थी दैट ही विल रेडी टू पे 26 लाख पर ईयर टू द मुगल एम्पायर, मतलब शाह आलम को वो हर साल 26 लाख रुपीज करेंगे। क्योंकि इसके अलावा ऐसा करने से ब्रिटिशर्स को ये फायदा हुआ था डेट जो बंगाल, बिहार और उड़ीसा की जो दीवानी राइट्स थी, दीवानी के जो राइट्स थे, मतलब पूरे जो इनकम के कलेक्शन के जो सोर्सेस थे वो अधिकार ब्रिटिशर्स के ही हाथ में थे। ओके, और इसके कारण ब्रिटिशर्स को एक और फायदा होता डेट जो कंपनी के एक टाइप के कैदी बन चुके थे, मतलब ऐसे कैदी जो अपने ही घर में रह रहे थे। ओके, जो शाह आलम थे वो एक टाइप से उनके कैदी टाइप बन चुकी थी। एंड इसी के बाद उन्होंने जो शाह आलम है उन्होंने ब्रिटिशर्स की हेल्प लेते हुए जो मराठास अटैक कर रहे थे उससे भी वो बच गए थे, मतलब उनको हेल्प मिली थी उस पर काबू पाने में वो सफल रहे थे। ओके, और इसी दौरान जब ये सब चल रहा था इसी दौरान जो मीर जाफर थे वो फिर से बंगाल के नवाब बन चुके थे। ओके, तो ये था इन दोनों ट्रीटी के बारे में। आप आगे देखेंगे कि ब्रिटिश एम्पायर ने अपनी पावर को और कैसे एक्सटेंड किया। देखो यहाँ पे तो वो नदन जो बंगाल रीजन उसको कंट्रोल करने में पॉसिबल हो गए थे, इसके अलावा कई सारे ऐसे साउथ के जो रीजन्स थे उसको उन्होंने अपने अंडर में कर लिया था, जैसे अवध हो गया है, हैदराबाद हो गया, ये सब। ओके, तो अब उन्होंने उनका मोटिव था डेट इंडिया के सदर्न पार्ट्स को कॉन्कर्ट करना, जैसे कि मैसूर, मराठा रीजन्स को, निजाम रीजन्स को, इन रीजन्स को अपने अंडर में कंट्रोल, और हैदराबाद को फुली कंट्रोल करना। ओके, सिर्फ मद्रास को ही नहीं उसके अलावा भी बाकी रीजन्स को। तो इसके लिए उन्होंने अपने जो स्टेप्स थे उसको आगे बढ़ाया, और एक उनके लिए बहुत कंपल्सरी टाइप का बन गया था दैट इन पावर्स को डिवाइड करके या फिर उनमें डिविजन्स ला के इस पर रूल कर सके ताकि उनको ईजी भी पड़े। ओके, तो और उसका और सबसे पावरफुल वहां का बन सके, ओके, रूलर। तो इसके लिए उन्होंने सबसे पहले मैसूर के साथ फाइट की थी, और बेसिकली उन्होंने मैसूर के साथ 4 बार फाइट की थी। अब यहाँ पे जो मैसूर के पहले नवाब थे वादिया,
वो थोड़ी से वीक हो गए थे ओके। और जब वो वीक होने लगे थे मतलब ब्रिटिशर्स से फाइट अप नहीं कर पा रहे थे इतने प्रॉपरली, तो जो हैदर अली थे उनके कमांडर इन चीफ, उन्होंने इसकी मतलब उनकी पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटीज उठाई थी। वो काफी ज्यादा ब्रेव थे, काफी इंटेलिजेंट भी थे और पावरफुल थे ओके। तो उनकी ये पावरफुल पावर को देखते हुए और उनका बहुत इम्पैक्ट वर्क जो वर्क था वो काफी ज्यादा इम्पैक्टिव था, वो अपनी पावर को बढ़ाने में सक्सेस भी हो रहे थे, जिसके लिए ब्रिटिशर्स थोड़ी से बड़ीड हो गए थे, मतलब वो थोड़ी से चिंतित हो गए थे। डेट उन्हें अब थोड़ा डर लगने लगा था कि कहीं ये हैदर अली उनकी पावर को उनसे या फिर जो भी वो सोच रहे हैं साउथ को कब्जा करने का वो ना कर हार ना जाए क्योंकि। तो जिसके लिए उन्होंने उसकी उसके लिए मैसूर से फाइट करने उनके बीच में 1767 से लेके 1799 तक 4 बार उन्होंने फाइट की ब्रिटिशर्स से ओके। तो जो फर्स्ट जो फाइट हुई थी मैसूर और ब्रिटिशर्स के बीच में, उस टाइम ब्रिटिशर्स के गवर्नर जनरल थे विलियम हेस्टिंग ओके। विलियम हेस्टिंग थे और जिसके जिसमें वो हैदर अली जीत चुके थे, और हैदर अली के जीतने के फर्स्ट जो फाइट हुई थी, हैदर अली के जीतने के बाद एक ट्रीटी साइन हुई थी ओके। और उस ट्रीटी में ये था दैट वो अपनी अपनी पर्टिकुलर एरिया में ही रहेंगे जहाँ पे जिसका राइट है ओके। बट ये जो और ये भी था दैट अगर कोई थर्ड पार्टी अटैक करती है तो बोथ द पीपल्स मीन्स ये हैदर अली एंड ब्रिटिशर्स वो दोनों एक दूसरे की हेल्प करेंगे थर्ड पार्टी के अटैक के टाइम पे ओके। तो लेकिन ब्रिटिशर्स ने ये जो ट्रीटी थी वो ज्यादा लंबे समय तक नहीं रहने दी थी, उन्होंने बीच में ही तोड़ दी थी, जिसके कारण सेकेंड फाइट हुई थी। और सेकेंड वॉर के दौरान जो ब्रिटिश और सॉरी मैसूर के बीच में हुई थी उसमें मैसूर की हेल्प की थी फ्रांस कंपनी ने ओके। फ्रांस कंपनी ने हेल्प की थी और इसी हेल्प के इसी लड़ाई के दौरान हैदर अली की डेथ हो गई थी, और उनकी आगे की रिस्पॉन्सिबिलिटी उन्हीं के ही सन टीपू सुल्तान ने उसको उठाया था ओके। और इस वॉर को कंटिन्यू करा था, और जब ये लड़ाई टीपू सुल्तान ने अपने हैंड ओवर में ले ली थी, जिसके कारण आगे चल के ये वॉर को रोकने के लिए इंग्लिश और टीपू सुल्तान के बीच में फिर से एक और ट्रीटी बन गई थी, पीसफुल ट्रीटी ओके। लेकिन टीपू सुल्तान को जो ब्रिटिशर्स थे वो ज्यादा पसंद नहीं थे ओके। तो उसके लिए वो अपनी आर्मी को यूरोपियन आर्मी के अगेंस्ट और उन्हीं के स्टाइल में ट्रेंड करना शुरू कर दिया था टीपू सुल्तान ने। जब वो तो फिर उसके बाद जब ब्रिटिशर्स को टीपू सुल्तान की इंटेंशन के बारे में मालूम पड़ा तो उन्होंने उनके साथ फिर से एक थर्ड अटैक फिर से कर दिया, मतलब थर्ड लड़ाई फिर से कर दी। इसमें क्या था, जो निजाम्स एंड मराठास थे ब्रिटिशर्स ने उनको अपने साइड कर लिया था ओके। तो जिस कारण से टीपू सुल्तान ने अकेली ही लड़ाई की थी, अकेले पड़ गए थे वो ओके। तो जिसमें वो हार गए थे अकेले होने के कारण, देन आफ्टर उनकी जो अपने जो उनके राज्य के जो बड़ी बड़े एरियाज थे, मेजर जो इम्पोर्टेंट पार्ट थे वो ब्रिटिशर्स को देने पड़े थे ओके। लेकिन वो हार नहीं मानी थी उन्होंने, उन्होंने फिर से अपनी पावर को एस्टेब्लिश करने के लिए उन्होंने अपने दूत को कई जगह कई अलग अलग राजाओं के पास भेजा था, जैसे यहाँ पे नेम दिया भी है ओके। तो इन्हें यहाँ पे भेजने के बाद जैसे कि अरेबिया, काबुल, अभी जो प्रेजेंट ये जो नेम दिया है ओके, ये प्रेजेंट में इस्तनपुर इस्तनबर, ये बेसिकली जो एशिया का जो सबसे वेस्टर्न पार्ट है जहाँ पे यूरोप और एशिया ज्वाइंट होते हैं, तो यूरोप की ईस्ट पार्ट की लास्ट कंट्री, और यहाँ पे जो उसके मतलब ये जो एरिया बीच का पड़ता है ये ओके। देन फ्रांस के पास भी भेजा, मॉरिशस के राजा के पास भी अपनी हेल्प के लिए प्रपोजल भेजा था, लेकिन जो ओके ताकि वो ब्रिटिशर्स के अगेंस्ट फाइट कर सके। और जब ये सब चल रहा था टीपू सुल्तान जब ये कर रहे थे, उस टाइम गवर्नर जनरल चेंज हो चुके थे और वो थे लॉर्ड वेलेस्ली ओके। तो उनकी जो पॉलिसीज थी अपनी पावर को बढ़ाने की, इसमें वो डिफीट हो गए थे, जो मतलब इसी को चलते उन्होंने जो फोर्थ लड़ाई की थी उसमें फाइनली टीपू सुल्तान हार गए थे, क्योंकि ब्रिटिशर्स ने मैसूर को पूरे तरीके से घेर लिया था ओके। जब वो अपने शहीदों को देखने गए थे जो उनमें लड़ाई में मारे गए थे ओके। दैट इज ऑल अबाउट द एंग्रो मराठा वॉर, सॉरी एंग्रो मैसूर वॉर ओके। नेक्स्ट वी विल आगे देखेंगे एंग्रो मराठा वॉर, और इसके अलावा जो लॉर्ड वेलेस्ली अपन ने नेम सुना, उन्होंने कौन कौन से ऐसी पॉलिसीज अडॉप्ट की थी, इससे ब्रिटिशर्स को क्या फायदा हुआ था, और एट लास्ट कौन से ऐसे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे जिसके थ्रू ब्रिटिशर्स इंडिया में जीत गए, मतलब इंडिया में अपनी पावर को एस्टेब्लिश करने में सक्सेसफुल रहे थे, उनके कॉजेस क्या क्या थे ओके। थैंक यू फॉर टुडे।